तस्वीरें दिखाते हैं। चार राज्यों में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात पर हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। एयरपोर्ट से शुरू हुआ ये रोड शो बीजेपी दफ्तर पर खत्म होगा। सड़क के दोनों ओर लोगों का भारी जमावड़ा दिख रहा है। 9 किलोमीटर तक 50 मंच बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री शाम को सरपंच सम्मेलन में मौजूद रहेंगे जिसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। चार तस्वीरें मेगा रोड शो में देखिए किस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समर्थकों का एक भारी हुजूम यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वागत में कई जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगे हुए हैं। वहीं कार्यकर्ता इस वक्त बेहद उत्साहित जोश से भरे हुए। गोपी घांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है, ग्राउंड पर वो मौजूद है। गोपी, कहां पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इस वक्त भाट सर्कल से होता हुआ आगे कोबा सर्कल की ओर आगे बढ़ चुका है। यानी प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो अब महज 5 किलोमीटर की ही जो दूरी है वो बची हुई है और जो कमलम है सर्कल वहां पे पहुंचेगा और वहीं पे प्रधानमंत्री का जो एक मीटिंग रखा गया है, जो बीजेपी का दफ्तर है कमलम, उसी में प्रधानमंत्री का ये मीटिंग है जिसमें संगठन के सारे लोग रहेंगे, सारे विधायक रहेंगे, जो लोकसभा के जितने भी सांसद हैं वो सारे उसमें मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री का ये एक मीटिंग होगा और जिसमें कई सारी चीजों पे प्रधानमंत्री के जरिए बात की जाएगी, खास करके जिसमें गुजरात में वाराणसी में जो जीत हुई है उसके बाद अब गुजरात में जीत किस तरीके से हासिल करनी है उसको लेकर भी कर रणनीति और कुछ जो विधायक है उनको सुझाव भी दिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जो मीटिंग है इसे चुनाव की शुरुआत, यानी गुजरात में जो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं तो उसकी शुरुआत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जहां पे सरपंच सम्मेलन होना है, सरपंच सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 1.5 लाख लोग रहेंगे लेकिन उसमें 14,000 से ज्यादा जो सरपंच है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी अभी से ही जो गांव गांव तक लोगों को संदेश पहुंचाना है, विकास का संदेश हो या फिर केंद्र सरकार क्या काम कर रही है वो संदेश हो, ये सारी चीजें वहीं से पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री वहां पे अपना भाषण देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री की सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग है जो राजभवन में होगी। सोमनाथ ट्रस्ट की ये जो मीटिंग है वो प्रधानमंत्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार फिजिकल मीटिंग होगी। अब तक उनकी 3 से 4 मीटिंग हो चुकी है, ये सारी मीटिंग जो है वो डिजिटल मीटिंग हुई थी लेकिन ये पहली बार फिजिकल मीटिंग होने जा रही है। आज का यही शेड्यूल है और कल प्रधानमंत्री रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में जाएंगे और शाम को खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में जाएंगे। लेकिन इसके बीच माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी मां हीराबा को मिलने के लिए जरूर पहुंचेंगे, उनकी तबियत के बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि उनकी जो उम्र है वो भी अब 94-95 के आसपास हो चुकी है, तो वैसे में उनके हालचाल लेने के लिए प्रधानमंत्री जरूर पहुंचेंगे उनको देखने के लिए। गोपी, क्योंकि देखिए इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं गुजरात में और अभी चार राज्यों में बंपर जीत के बाद पहला ही कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ अहमदाबाद में होता है। अगर इसको चुनाव से जोड़कर देखें तो जो कार्यक्रम 2 दिन के रखे गए हैं उसमें कौन कौन से कार्यक्रम आपको किस लिहाज से महत्वपूर्ण नजर आते हैं और कौन कौन से वो कार्यक्रम होंगे जरा उस लिहाज से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सरपंच सम्मेलन हो रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरपंच सम्मेलन में 14,000 से ज्यादा जो गांव के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खेल महाकुंभ, जितने भी खिलाड़ी हैं जो जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी, वहां पे उनके जो खिलाड़ी है उनके साथ भी उनकी बातचीत की जाएगी और उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। अर्पिता, अगर जिस तरीके से देखिए गोपी, 2012 में भाजपा 182 में 115 सीटें जीतती है, 2017 में 182 में से 99 सीट हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ कम जरूर हुआ है। क्या इसीलिए बीजेपी की कोशिश ये है कि अब ग्राउंड से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं सरपंच लोगों से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अब ग्राउंड से फिर से एक बार सब चीजें स्ट्रांग करने की, संगठन स्ट्रांग करने की कोशिश होगी बीजेपी की? गोपी, थोड़ी धूप मरी जाए तो